साहिर लुधियानवी मसऊदी एक प्रसिद्ध शायर तथा गीतकार थे। इनका जन्म लुधियाना में हुआ था और लाहौर तथा बम्बई इनकी कर्मभूमि रही। हालांकि वे पूरी जिंदगी कुंवारे ही रहे, लेकिन साहिर के दो अफेयर थे, एक लेखिका अमृता प्रीतम के साथ और दूसरा गायिका सुधा मल्होत्रा के साथ। ये रिश्ते शादी में नहीं बन सके क्योंकि लड़कियों के पिता ने उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने से मना कर दिया जिसे वे मुसलमान समझते थे। अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी का मुलाकात साल 1944 में हुई थी जब दोनों लाहौर के प्रीत नगर में स्थित मुशायरे में पहुंचे थे। पहली मुलाकात में ही साहिर और अमृता एक दूसरे को दिल दे बैठे थे, लेकिन दोनों इजहार नहीं कर पाए। हालांकि दोनों के बीच की खामोशी बहुत कुछ बनिया कर रही थी। वो उन पर अपना दिल हार बैठी और ताउम्र उनसे प्यार करती रही। हालांकि इनका ये प्यार कभी मुकम्मल नहीं हो पाया। साहिर लुधियानवी के बारे में अमृता ने अपनी कई रचनाओं में लिखा है। अमृता उनसे इतना प्यार करती थी कि वो अपने पति से अलग हो गई और अपने बच्चों के साथ अकेली रहने लगी। लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा। साहिर को अपने अतीत की वजह से कमिटमेंट फोबिया था और अमृता को इस बात का पता था। साहिर का दिल भी अमृता पर आ ही गया था, लेकिन वो इतने साहसी नहीं थे कि यह बात को कबूल कर पाते। जैसा कि अमृता ने रसीदी टिकट में लिखा भी है, साहिर की जिंदगी का एक सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि वो सुंदर नहीं है। प्रेम और स्त्रियों को लेकर साहिर के रुख में सहजता और आत्मविश्वास कभी नहीं रहा। जब अमृता पहली बार साहिर से मिली तो उनकी शादी उनके पहले पति प्रीतम सिंह से हो चुकी थी और हालांकि दोनों के बीच प्यार था, लेकिन अंततः अपने पति से अलग होने का उनका फैसला लेखक के कारण नहीं था। अमृता प्रीतम गीतकार साहिर लुधियानवी से बहुत प्रेम करती थी। इस प्रेम का कारण था साहिर की शायरी। अमृता को साहिर की शायरी से दीवानगी की हद तक प्रेम था। रसीदी टिकट में साहिर के बारे में अमृता लिखती है, साहिर लाहौर में उनके घर आया करते थे। साहिर को सिगरेट पीने की आदत थी, वो एक के बाद एक लगातार सिगरेट पिया करते थे। उनके जाने के बाद सिगरेट की बटों को साहिर के होठों के निशान को महसूस करने के लिए उसे दोबारा पिया करती थी। मुझे याद है एक मुशायरे में कुछ लोग साहिर का ऑटोग्राफ ले रहे थे। जब लोग चले गए और मैं अकेली उसके पास खड़ी रह गई तो हंसते हुए मैंने अपनी हथेली उसके सामने बढ़ा दी कोरे कागज की तरह, और उसने मेरी हथेली पर अपना नाम लिख दिया और कहा, ये ब्लैंक चेक पर मेरे दस्तखत हैं, जो रकम चाहो लिख लेना और जब चाहो कैश करवा लेना। हमारे बीच दो रुकावटें थी, एक खामोशी की जो हमेशा बनी रही और दूसरी भाषा की। मैं पंजाबी में कविताएं लिखती थी और साहिर उर्दू में। रसीदी टिकट में अपनी मोहब्बत का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि जब साहिर मुझसे मिलने लाहौर आते तो हमारे दरमियान रिश्तों का विस्तार बन जाता, मेरी खामोशी का फैलाव हो जाता, मानो ऐसे जैसे मेरी बगल वाली कुर्सी पर आकर वो चुपचाप चले गए हो। वो आहिस्ता से सिगरेट जलाते, थोड़ा कश लेकर उसे आधी छोड़ देते। धर्म की दीवार के कारण साहिर की माँ ने शादी की इजाजत नहीं दी और निराश होकर साहिर मुंबई चले गए और बॉलीवुड में गीतकार के तौर पर काम करने लगे। अमृता पूरी तरह टूट चुकी थी। कहा जाता है कि साहिर को उनकी मोहब्बत ताउम्र नहीं मिली। दरअसल अमृता प्रीतम के बाद उन्हें सुधा मल्होत्रा से इश्क हुआ, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाया। जब साहिर की जिंदगी में एक और महिला गायिका सुधा मल्होत्रा आई तो अमृता को कलाकार और लेखक इंद्रजीत इमरोज की संगति में सुकून मिला। साहिर लुधियानवी उन गिने चुने गीतकारों में से हैं जिनके गानों को सुनकर उनकी लव लाइफ के अंदाजे लगाए जाते थे। उन्होंने खुद किसी का नाम अपने से नहीं जोड़ा। अमृता जब इमरोज के साथ रहने लगी तो साहिर शिकवा भी किस तरह से करते हैं, देखिए, महफिल से उठ जाने वालों, तुम लोगों पे क्या इल्जाम, तुम आबाद घरों के वासी, मैं आवारा और बदनाम। तब लोगों को लगा कि यह अमृता और इमरोज के लिए लिखा गया है। फिर भी साहिर खामोश ही रहे। 1960 में साहिर गायिका सुधा मल्होत्रा के करीब हो गए थे। साहिर लुधियानवी को सुधा मल्होत्रा से काफी लगाव था। कहते हैं कि आजीवन अविवाहित रहे साहिर ने अपने जीवन में अमृता प्रीतम और सुधा मल्होत्रा से प्रेम किया था। हालांकि सुधा ने गिरिधर मोटवानी से शादी कर गाना छोड़ घर गृहस्थी में रम गई। उन दिनों जब सुधा मल्होत्रा और साहिर के चर्चे थे तब साहिर का गीत आया, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तब लोगों ने माना कि दोनों अलग हो चुके हैं। कहते हैं कि साहिर का लिखा प्रसिद्ध गाना चलो एक बार फिर से तब लिखा था जब सुधा की शादी तय हो गई थी। कहा यह जाता था कि फिल्म गुमराह में साहिर का लिखा महेंद्र कपूर का गाया गाना चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए वास्तव में सुधा मल्होत्रा के लिए लिखा गया था। बलदेव राज चोपड़ा ने उस नज्म को अपनी फिल्म गुमराह के लिए देने के लिए कहा। कहा जाता है कि यह वही नज्म है जिसे साहिर ने सुधा मल्होत्रा से अपने नाकाम इश्क पर लिखी थी।
कहा जाता है कि साहिर को उनकी मोहब्बत ताउम्र नहीं मिली। दरअसल अमृता प्रीतम के बाद उन्हें सुधा मल्होत्रा से इश्क हुआ, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाया। इस बार भी मजहब उनकी मोहब्बत के आड़े आ गया। इसकी तलखी उनके शेरों में भी नजर आती थी।